मंगलवार को बिहार के 16 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में आज भी बारिश का अलर्ट है। 48 घंटे मौसम इसी तरह का रहने वाला है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की अनुमान जताया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पटना में सुबह से बादल छाए रहे। 9 बजे से आसपास हल्की बूंदाबांदी हुई। बुधवार सुबह से ही राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से दरभंगा में 3, बेगूसराय में 2 और वैशाली में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की मदद देने का निर्देश दिया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान औरंगाबाद और किशनगंज को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों के अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को काफी गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज रहा। वहीं 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म औरंगाबाद जिला रहा। बिहार के 18 जिलों में 194 AM बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश 65.2 mm अररिया में हुई। पटना में 1.4 mm बारिश हुई। बारिश के चलते बिहार के सभी हिस्से में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यह सामान्य से 2 से 7 डिग्री कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।